और साथ में हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय से कर्मी जो है ये सारे के सारे ये अपने को जला करके गाजीपुर को स्वच्छ रखेंगे। ये मैं इनकी तरफ से आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। एक बार जो जानकारी इनकी प्रज्वलन के लिए ये जल करके प्रकाशित करेगा और गाजीपुर को जो है यह स्वच्छ करेगा। यह अभियान एक फल मिलेगा। वैसे तो गाजीपुर के लोग पहले से ही जागरूक है। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ के पावन अवसर पर देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों और स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को नमन करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि भारत का विकास उसके नागरिकों के स्वस्थ और सक्रिय रहने में निहित है और इसके लिए प्लास्टिक व गंदगी मुक्त वातावरण आवश्यक है। आजादी के 75वें वर्षगांठ पे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा इसलिए आज मैं इस स्वच्छता अभियान से जुड़ने का संकल्प लेता हूँ और यह अभियान अपने कमरे से अपने घर से अपने घर के सामने गली से अपने मोहल्ले से अपने गांव से अपने नगर और शहर से ट्रैफिक को गंदगी मुक्त करने की शपथ लेता हूँ। जय हिंद। गंदगी मुक्त भारत। गंदगी मुक्त भारत। ये महागठबंधन 2019 में भी था और मैंने मंच से कहा कि पिछली बार भी मोदी जी की सरकार को हराने के लिए उनको हटाने के लिए 24 दलों का महागठबंधन था, लेकिन मोदी जी का जो विपक्ष का एजेंडा था मोदी हटाओ और मोदी जी का एजेंडा था गरीबी हटाओ, भुखमरी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, नौजवानों को रोजगार दो, किसानों को काम दो, गरीबों को आवास दो, शौचालय दो, तमाम सरकार की योजनाएं दो और उसमें देश की जनता का सीधे कनेक्शन था। पिछली बार से भी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी। आज योगी जी की सरकार ने बहुत ऐसे काम किए हैं जो 68 साल, 100 साल और 300-400 साल में नहीं हुआ था, 492 साल पुराना मामला राम जन्मभूमि का। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता संतुष्ट है, मोदी जी और योगी जी से संतुष्ट है, सरकारों के क्रियाकलाप से संतुष्ट है और इसलिए पिछली बार 325 सीट थी, आपकी बार जन जन का नारा है कि आपकी बार 325-350। देखिए हमको पैदल करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन अभी तो वो पूरी खानदान पैदल है, पूरा विपक्ष पैदल है और इसलिए हम क्या करेंगे क्या नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी को पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जब कोरोना वैक्सीन आया तो इसको उन्होंने कहा कि ये भाजपा की वैक्सीन है और इसको कोई लगावे मत, लेकिन उनके पिताजी में ने लगा लिया, उनकी भाभी या भवा लगेंगी पूर्णिमा यादव जी, उन्होंने भी लगाया और आज हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोग वैक्सीन लगा लिए हैं, 30 करोड़ जो बाकी हैं वो भी आने वाले दिनों में लगा लेंगे। तो इसलिए उनको देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि देश की जनता को उन्होंने गुमराह किया। देखिए आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने इस आज़ादी के 75वीं वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया और उसी परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और सभी योजनाएं जन जन तक पहुंचाने का अभियान इस अमृत महोत्सव के रूप में किया जा रहा है। उसी का एक पार्ट महात्मा गांधी जी का, चूँकि स्वच्छता आंदोलन आज़ादी मिलने के पहले भी था तो उनके भी सपने को साकार करने के लिए और जिन लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाया है उन सभी वीर शहीदों के भी सपने को साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के पूर्व संध्या से लेकर यानी 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर तक ये स्वच्छता आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में जन भागीदारी के रूप में बदलते हुए ये उन्होंने किया है और इसके लिए
पूरे प्रदेश और देश के अंदर अभियान चलाया जा रहा है और इसकी लॉन्चिंग 1 अक्टूबर को देश के केंद्रीय मंत्री खेल कूद युवा कल्याण और सूचना प्रसारण मंत्री माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के कर कमलों द्वारा इसी प्रयागराज की धरती से शुभारंभ किया गया था।